नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। दोस्तों आज से हमने यहाँ पर एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसका टाइम भी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि मेरे चैनल पर 11:30 बजे आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित वीडियो, शाम को 5 बजे आपको सामाजिक अध्ययन से संबंधित वीडियो और शाम को 8 बजे के पास आपको सामान्य विज्ञान से संबंधित वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर आप हिंदी के वीडियोस देखना चाहते हैं तो इसके मैंने प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट भी UP SSC के वीडियो एग्ज़ाम के लिए मैंने बहुत सारे प्रीवियस सेट भी बना रखे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए एग्जाम्स के क्वेश्चन हैं उसमें। और साथ में मैं यहाँ पर भी प्रीवियस ईयर सीरीज चला रहा हूँ सामान्य ज्ञान के लिए, जो प्रीवियस ईयर के विभिन्न क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें, तो वो भी चल रही है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो आपको लगभग अच्छा मटेरियल यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है सामान ग्राम विकास अधिकारी के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने जो सीरीज स्टार्ट की है उत्तर प्रदेश स्पेशल है, इसमें वन लाइनर के रूप में मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है। और दोस्तों इस सीरीज में हम लोग एक प्रकार से रिवीजन करेंगे और उत्तर प्रदेश स्पेशल जो सामान्य ज्ञान है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और दोस्तों रही बात करंट अफेयर्स की, तो उसका वीडियो मैं आप लोगों को, जब एग्ज़ाम का लगभग एक हफ्ता बचेगा तो मैं आप लोगों को सारे करंट अफेयर्स के वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो सेशन। सो गाइस यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है उत्तर प्रदेश की दृष्टि से, तो वह है भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश लैंड का भूभाग है। तो दोस्तों भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश किस लैंड का भूभाग है, तो आंसर आपका हो जाएगा गोंडवाना लैंड, यानी कि यहाँ पर क्या सही आंसर हो जाता है, गोंडवाना लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की सीमाएँ कितने राज्यों से लगी हुई हैं। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है और आता रहता है। तो उत्तर प्रदेश की जो सीमाएँ हैं वो 9 राज्यों से लगी हुई हैं। दोस्तों ये 9 राज्य जो हैं इनमें एक राज्य आपका केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भी है, ये ध्यान रखिएगा। दोस्तों यहाँ पर बता दूँ कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे उत्तर प्रदेश की जो सीमाएं हैं वो किस केंद्र शासित प्रदेश से लगी हुई हैं, तो आंसर आपका यहाँ पर दिल्ली होगा, ठीक है। तो कौन कौन से 9 राज्य हैं, देखिए पूछा गया है यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सीमाएँ किन किन राज्यों से लगी हुई हैं, वो राज्य आपको यहाँ पर बताने हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड। तो ये 9 राज्य हैं जहाँ से जो है उत्तर प्रदेश की सीमाएं लगी हुई हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा किन राज्यों से लगी हुई है। तो दोस्तों जो उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा है ये आपका बिहार और झारखंड से लगी हुई है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की उत्तरी सीमा किन राज्यों से लगी हुई है। तो दोस्तों जो उत्तर प्रदेश की उत्तरी सीमा है ये आपका नेपाल, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से लगी हुई है। उत्तर प्रदेश की जो उत्तरी सीमा है कहाँ से लगी है, उत्तर प्रदेश की जो उत्तरी सीमा है ये नेपाल, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से लगी हुई है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की दक्षिणी सीमा किन राज्यों से लगी हुई है, तो आंसर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमा किन राज्यों से लगी हुई है, तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा हरियाणा, राजस्थान तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा किस राज्य से स्पर्श करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, अक्सर पूछ लिया जाता है। तो उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी सीमा है ये आपकी मध्य प्रदेश से स्पर्श करती है, यानी कि यहाँ पर जो आपका सही आंसर है ये मध्य प्रदेश होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की न्यूनतम सीमा रेखा से स्पर्श करने वाला राज्य है। तो दोस्तों अभी मैंने बात की यहाँ पर सबसे लंबी सीमा किस राज्य से स्पर्श करती है, तो वो मध्य प्रदेश हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश की जो न्यूनतम सीमा रेखा से स्पर्श करने वाला राज्य है तो वो आपका है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के जो सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य है तो वो है मध्य प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक प्रदेशों को स्पर्श करता है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आप पहले बात की थी कि उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य, तो वो था मध्य प्रदेश। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक प्रदेशों को स्पर्श करता है, तो कौन सा जिला आपको बताना है जो सबसे अधिक प्रदेशों को स्पर्श करता है, तो आंसर आपका हो जाएगा सोनभद्र जिला, जो कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड एवं बिहार इन प्रदेशों को स्पर्श करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा है, तो ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ललितपुर जो जिला है ये 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे कम जिलों को स्पर्श करता है, तो यहाँ पर अब जिलों की बात की गई है, तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे कम जिलों को स्पर्श करता है, तो आंसर आपका हो जाएगा ललितपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करता है, तो आंसर आपका हो जाएगा बदायूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक जो क्षेत्रफल है ये है 240,928 वर्ग किलोमीटर।
कितना है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के कितने पर्वतीय जिलों को काटकर उत्तराखंड का निर्माण किया गया। तो दोस्तों उत्तराखंड का जो निर्माण है ये 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 पर्वतीय जिलों को काटकर उत्तराखंड का निर्माण किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 4 जिले और वही क्रम में बताइए। तो दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है कि उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 4 जिले हैं उनका अवरोही क्रम में आपको बताना है। तो आंसर आपका हो जाएगा लखीमपुर खीरी, जो कि सबसे बड़ा जिला है उत्तर प्रदेश का। दूसरा आपका हो जाएगा सोनभद्र, तीसरा आपका हरदोई हो जाएगा और चौथा आपका सीतापुर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के सबसे कम क्षेत्रफल वाले 4 जिले आरोही क्रम में बताइए। तो दोस्तों सबसे कम क्षेत्रफल वाले 4 जिले आरोही क्रम में आपको बताना है। तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा हापुड़, गाज़ियाबाद, संत रविदास नगर और शामली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के ऊंचाई वाले भागों में मिलने वाली प्राचीनतम जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो सब थोड़ा सा मिट्टी पर यहाँ पर क्वेश्चन बन रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के ऊंचाई वाले भागों में मिलने वाली प्राचीनतम, जो यहाँ पर प्राचीनतम लिखा हुआ है सही करेक्ट कर लीजिएगा, तो प्राचीनतम जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो आंसर आपका हो जाएगा राड़, इसको अन्य राड़ नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा यमुना के मैदान का निर्माण किस मिट्टी से हुआ है। तो दोस्तों गंगा यमुना के मैदान का जो निर्माण है ये कॉप मिट्टी से हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूपी से। इसी तरह से सीरीज कंटिन्यू रहेगी और इसमें जो यूपी से संबंधित सामान्य ज्ञान है उसके हर एक पहलू को डिस्कस किया जाएगा। सारे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मेन हाईलाइटेड क्वेश्चंस है वो सारे यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आप दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि हमें भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता रहे और इसी तरह के और वीडियोस हम आप लोगों के लिए प्रोवाइड करते रहें। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।